क्या आप कर्मा में नहीं मानते? आज आपको चार ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कर्मा में और ये रिश्तों में अक्सर आता है। और आखिरी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपकी शक्ल पर स्माइल जरूर लाएगा। पहली कहानी, पाशा बासू और जॉन सर्क को 2000 era के रोमियो एंड जूलियट की तरह जानते हैं। सबको लगता था कि उनका प्यार उनके दोनों जैसा होना चाहिए। दोनों जिस्म वन के सेट पर मिले थे और वहीं से उनका प्यार की गाड़ी चल पड़ी। उन्होंने काफी सारी मूवीज साथ में करी थी, जैसे धन धनाधन गोल, मदोशी, ऐतबार। उसके बाद 10 साल तक डेट करने के बाद बिपाशा मैम शादी करना चाहती थी, पर जॉन सर रेडी नहीं थे अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। इसकी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। जिंदगी दोबारा मौका देती है क्योंकि जॉन सर को जिम में प्रिया मैम मिल गई, जिनसे उन्होंने 1 साल बाद में शादी कर दी। और बिपाशा मैम को करण सर मिल गए, जिनके साथ आज उनका एक बेबी भी है। और दूसरी कहानी, अक्षय सर को हम खिलाड़ी मूवीज के लिए जानते हैं। रविंद्र टंडन मैम के साथ उनका जब ब्रेकअप हुआ, तब वो शिल्पा मैम से मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के सेट पे मिले और ये दो कोस्टार जल्दी ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए और इन्हें प्यार भी हो गया। और र्यूमर्स ये भी थे कि इनकी शादी के प्लान थे। इन्होंने बहुत सारी मूवीज साथ में करी, जैसे धड़कन, जानवर, इंसाफ। और यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। शिल्पा मैम को पता चलता है कि अक्षय सर उनके साथ डबल गेम खेल रहे हैं। अक्षय सर शिल्पा मैम के साथ साथ ट्विंकल मैम को भी डेट कर रहे थे। शिल्पा मैम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। जिंदगी दूसरा मौका देती है और शिल्पा मैम को राजकुंद्रा सर मिल गए और वो लाइफ में आज अलग लेवल पर है। तीसरी कहानी, एम्बर हर्ड और जॉनी सर का डिवोर्स हो गया था, लेकिन फिर एम्बर मैम ने गलत चीज पर केस कर दिया कैप्टन स्पैरो पर हमारे, जिसके जवाब में कैप्टन स्पैरो ने उन पर डिफेमेशन का केस कर दिया, जिसका क्लेम था $50 million, मतलब 400 करोड़। इस केस को एम्बर हर्ड मैम ने काउंटर किया डिफेमेशन केस फाइल करके, जिसकी कीमत थी 800 करोड़। कोर्ट की हेयरिंग 6 हफ्तों तक चली और सबको शॉक में छोड़ दिया, क्योंकि इनकी जो टेस्टिमनीज एक दूसरे को काफी उल्टी थी, काफी कॉन्ट्राडिक्ट करती थी। अंत में एम्बर हर्ड को गुनेगार माना गया और हमारे कैप्टन स्पैरो जीत गए और उन्हें 80 करोड़ मिले एम्बर मैम से, और एम्बर मैम को उन्हें डैमेजेस के लिए 16 करोड़ देने पड़े। एम्बर मैम के सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो गए और उन्हें करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा। और ये रही आखिरी कहानी, अकराफ हकीमी, ये एक प्रोफेशनल फुटबॉलर है जो PSG के लिए खेलते हैं। उनकी वाइफ से उनका डिवोर्स ले रहे थे, तभी एक अलग मोड़ आया जब इनकी वाइफ ने इनसे आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी और पैसा मांगने की गुजारिश की। हकीमी सर लीग वन के हाईएस्ट पेइंग फुटबॉल प्लेयर है और इनकी सैलरी साल की 10 करोड़ से ज्यादा है, और अगर ये सब चीजें अपनी वाइफ को दे देते तो ये सबसे बड़ा झटका होता अकरफ सर के लिए। पर कहानी में ट्विस्ट है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान पता चला कि अकरफ सर के पास पैसे या एसेट कुछ नहीं है, और ये बात सबको शॉक कर दी। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, फॉर्चून, इवन कपड़े अपनी माँ के नाम कर दिए थे डिवोर्स से पहले, और ये मूव उनकी वाइफ के इरादों पर पानी फेर दिया। कसीनो एक ऐसी जगह है जहाँ कर्मा से गेम बदली जा सकती है, तो अगली वीडियो उस पर देखना नीचे दी है।